हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 6 का सेकंड पार्ट। कौन सा है हमारा चैप्टर नंबर 6? डॉक्टर विक्रम साराभाई। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा था कि उनका जन्म कहाँ पे हुआ, उनके माता पिता का नाम, वो सब देखा था। उनका जन्म कब हुआ? 12 अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद में हुआ। उनके पिता का नाम अम्बालाल और माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई कितने भाई बहन थे? 8 भाई बहन थे। उनके वो जब 5-6 साल के थे तब वो लोग शिमला गए। तो शिमला गए तब उनके पिताश्री जो थे अम्बालाल, वो बहुत ही बड़े उद्योगपति थे, तो उनके नाम से ढेरों चिट्ठी आती थी। ये देखकर विक्रम साराभाई के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम से भी बहुत सारे पत्र आए। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे लिफाफे लिए, उसके ऊपर अपना नाम और पता लिखा और डाकघर में जाके डाल दिया। फिर उन्होंने, उनके पिता ने ये देखा तो उनको ये जानने की इच्छा हुई कि इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। तो उन्होंने ये जाना तो उनको हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर उन्हें अच्छा भी लगा। वो गणित और भौतिक के प्रति गहरी दिलचस्पी थी उनकी। उन्होंने मैट्रिक कब पास की? सन 1934 में। सन 1934 से लेकर 37 तक गुजरात कॉलेज अहमदाबाद में इंटर की पढ़ाई की। सन 1937 में इंग्लैंड चले गए। सन 1914 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिक में MBBS की परीक्षा में वे सफल हुए। सन 1942 में मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे थे। चलिए अब आगे देखते हैं। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमय कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में PhD की उपाधि हासिल की। ब्रह्मांड तथा सौर मंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी, इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई, जिससे वह आजन्म संबद्ध रहे। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने की उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे। क्या कि उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाली जो रहस्यमय कॉस्मिक किरणों थी उनके ऊपर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में PhD की उपाधि हासिल की। ब्रह्मांड और सौर मंडल के कई जटिल प्रश्न के हल निकालने का श्रेय जो है वो किसे प्राप्त होता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को। उनका यही सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी, और वहां पे भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला भी स्थापित की। अपने निजी प्रयासों से उन्होंने सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में भी स्थापित की। आजन्म संबंध रहे वहाँ, जिससे वह आजन्म संबंध रहे वहीं पे वो उनके साथ कनेक्ट रहे। साथ ही उन्होंने वस्त्र उद्योग, क्लॉथ की समस्याएं जो थी, जिसकी क्लॉथ्स की प्रॉब्लम्स थी, उसका हल निकालने के लिए अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा भौतिकी और खगोल, उस पर वह कार्य करते रहे। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। यह उनके अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग उसके सदस्य बने। डॉक्टर भाभा की मृत्यु हो गई, उसके बाद परमाणु ऊर्जा संस्थानों की पूरा
पर जो था वो किसके ऊपर आ गया, डॉक्टर विक्रम साराभाई के ऊपर। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। क्या कि डॉक्टर विक्रम साराभाई उन्होंने अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी लाइफ जो है विज्ञान के और भारत के समग्र विकास के लिए ही समर्पित कर दिया। भारत के विकास में उनका उत्कृष्ट योगदान है और उसके लिए उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हुए। सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भट्ट नागर पुरस्कार, सन 1966 में पद्म भूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकारों से नवाजा गया। निशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि रहे। कब? सन 1962 में कौन सा? डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, सन 1966 में पद्म भूषण, सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकरणों से नवाजा गया। और निशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि रहे। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। कब? सन 1966 में। कहाँ के? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। कब? सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को जो है उसके विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। कहाँ का? इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का भी प्रमुख बनाया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणुमंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। कब? सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणुमंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने और सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। कब? सिर्फ वो उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं रहे, साइंटिस्ट ही नहीं रहे, लेकिन व्यस्तताओं के बावजूद वो बिजी रहते थे, फिर भी कला, शिक्षा व समाज के लिए कुछ टाइम भी निकाल लेते थे। जितना टाइम उनको चाहिए वो भी वो निकाल लेते थे। उनके प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति, जो लोग हैं उनकी विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए वो काम करते थे। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। वह एक होटल में ठहरे हुए थे। यही हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन से विज्ञान में नित नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन सदाचक्र के लिए रुक गया। ऐसी महान प्रतिभा को शत शत नमन। उनकी डेथ कब हुई? 21 दिसंबर सन 1971 को। कहाँ पे? त्रिवेंद्रम करके जो सिटी है वहाँ पे लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में वो कार्य निरीक्षण के लिए उनको भेजा गया था। वहाँ के एक होटल में वे ठहरे हुए थे। वहीं पे उनकी हृदय की गति रुकने से, हार्ट अटैक की वजह से उनकी मृत्यु हुई। और जो विज्ञान के नित नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र था वो सदा के लिए वहीं पे रुक गया। इसी महान प्रतिभा को शत शत नमन।
चैप्टर तो हमने देख लिया, लेकिन अब देखते हैं भाषा सज्जता है। इसमें कुछ सर्वनाम के लिए है, देखते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, पहले दो वाक्यों में निश्चितता, अतः जिस सर्वनाम के द्वारा किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध करवाया जाए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, इसमें आपको शॉर्ट में दिया है, इसमें जितना दिया है उतना आपको अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाद में हम इसका पूरा ग्रामर का टॉपिक है वो देखेंगे। क्या निश्चयवाचक सर्वनाम जो है इनके कोई सर्वनाम के द्वारा किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति को निश्चित रूप से बोध करवाया जाए, जैसे कि यह किताब कोकिला की है या फिर वहाँ पे कुछ है, तो वो क्या है, निश्चित व्यक्ति या निश्चित रूप से कोई वस्तु या व्यक्ति दिखाया जाए उसे निश्चयवाचक कहते हैं। अनिश्चयवाचक, तीसरे और चौथे वाक्य में अनिश्चितता है, अतः किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चय न हो तब अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कोई कुछ, सॉरी मैंने जो फर्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया वो वहाँ कुछ है, तो वो जो एग्जाम्पल था वो ये सेकेंड का था कि यहाँ किताब है, वहाँ पेड़ है, तो वो किसका, वो निश्चयवाचक का। और अनिश्चयवाचक का, कोई आया, कोई आ रहा है, या फिर वहाँ कुछ गिरा है, तो वो कुछ और कोई वो जो है वो किसका हुआ, अनिश्चय। क्यों? क्योंकि वो फाइनली नहीं है, निश्चित नहीं किया कि ये वही चीज़ है या फिर कोई व्यक्ति फाइनल वही है, इसके लिए वो कैसा है, अनिश्चयवाचक। योग्यता विस्तार है, हम कभी एक्सप्लेन नहीं करते, लेकिन इसमें कुछ संस्थाओं के नाम दिए तो देख लेते। यूनेस्को, UNESCO, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। कॉस्मिक किरणें, कॉस्मिक रेज, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, ATIRA, अहमदाबाद टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रियल रिसर्च एसोसिएशन। परमाणु ऊर्जा आयोग, एटॉमिक एनर्जी कमीशन। भारतीय अवकाशीय अनुसंधान केंद्र ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उपग्रह सैटेलाइट।